गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आ जाओ जल्दी से, आपका क्लास शुरू हो चुका है। सुबह 5 बजे का जीरो लेवल बेसिक मैथ गारंटी वाली क्लास। जी हाँ, बिल्कुल गारंटी वाली क्लास। आप पहली बार देख रहे होंगे ना, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता उनको आज से आने लगेगा, टेंशन छोड़ देना है। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है। बस आप जीरो लेवल बेसिक से देखो तो ना, शुरू से सीखिए तो। तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सब कुछ सीख कर नहीं पैदा होता है, यहीं पर आने के बाद सीखता है। तो हम मानव की प्रवृत्ति वही है। चलिए शुरू करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अभ्यास 2 का सी चल रहा है, कक्षा 8 की NCERT मैथ बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन होगा बेसिक कॉन्सेप्ट पर, वर्गमूल पर आधारित होगा, स्क्वायर रूट पर। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कहीं भी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 49 21 में, यानी कि 7921 में जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, क्या होता है आप जानते हो, बताना नहीं है। तो देखिए साथियों, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया ना, तो 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे अगर 6 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 36 आया ना, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर बोलें 50 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 37 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, क्योंकि इसका कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका होल स्क्वायर करने पर ये आ जाए। तो पूर्ण वर्ग का मतलब वो होता है कि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर वो संख्या आ जाए। तो 49 21 किसी भी संख्या का वर्ग करने पर नहीं आएगा। लेकिन कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसको तो छोड़ दो। पहले आप ये बताओ, 50 में हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, बताओ जल्दी से, पूर्ण वर्ग हो जाए 50 में। ध्यान से देखना, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, यानी 49 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 64 है। 49 के बाद 64 एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके बीच में कोई नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अगर जोड़ कर बनाना है तो 50 को 64 बनाना होगा, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अतः इसका आंसर हुआ कि यदि 50 में हम 14 जोड़ दें, 14 जोड़ दें, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। मिल गया आंसर ना? लेकिन हमें पता कैसे चला, क्योंकि ये बहुत छोटी संख्याएं हैं इसलिए इनको हम वर्ग करके आपके सामने निकाल के दिखा दिए, और मालूम भी हो गया कैसे होगा, मालूम हो गया ना। लेकिन इसका कंसेप्ट समझना एकदम शुरू से, ये 14 जो मिला हमें, अगर हमें ना पता होता ये 49 और 64 जो हैं ये किसके वर्ग स्क्वायर हैं, तो आप इसको कैसे पाते। जैसे हमें तो मालूम था कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, तो हमने बता दिया कि 14 होगा, चूँकि 49 के बाद 64 ही पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जिसको ना मालूम हो वो क्या करेगा, ध्यान देना, बिल्कुल हम एकदम जीरो से चलेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता टेंशन मत लेना, बस देखते रहना। इधर देखिए, 50 है ना, 50 का आप क्या करोगे, वर्गमूल निकाल लो। 50 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ध्यान देना। तो ये देखो, 7 का वर्गमूल निकालना हमने आपको बहुत पहले बता दिया, अगर नहीं आएगा तो बता देना तुरंत, ठीक ना, नहीं आएगा तो बता देना। देखना ध्यान से, ये कितना आ गया, 7 7 14 और ये 7 7 49, घटाने पर कितना आ गया, 1। आप ध्यान देना कितनी बार जाएगा 1 में, यहाँ पर समझना, ये पूरा पूरा कम्प्लीटली तो कटा नहीं, डिवाइड हुआ नहीं। अब क्या करेंगे हम, इसका अगर पूरा वर्गमूल निकाल लें, तो ध्यान से देखना, अक्सर संख्याओं को वर्गमूल निकालने के लिए उसके बगल में ऐसे 0 0 बढ़ा के जोड़ी बना लेते हैं, ये खुद से कर लेते हैं, हर कोई कर सकता है, ठीक। अब आप ऊपर दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ पर एक जोड़ा उतार लोगे, ये कितना बन गया, 100 बन गया, बन गया ना। अब क्या करोगे, अब देखो, अगर एक बार ले जाओगे आप, कितनी बार, 1 बार ले जाओगे, तो कितना आएगा इधर मालूम है, 141 आएगा, तब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ना। तो 1 बार ना ले जाओ, आप कितनी बार ले जाओगे, 0 बार ले जाके देख लो, फिर देखो कितनी बार जाता है, मतलब 1 बार ले जाने पे ज़्यादा हो रहा है। ज़रा ध्यान से देखो, अगर आप 1 बार ले जाओगे तो ये 141 होगा, जो कि 100 से ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, 1 से कम बार ले जा सकते हैं,
हाँ 0 बार ले जाएंगे एक बार, उसके बाद फिर आगे चाहे जो करें, लेकिन एक बार 0 बार ले जाएंगे रूल के मुताबिक, क्योंकि हमने सारी प्रक्रिया कर लिया, दशमलव बढ़ा लिया, एक जोड़ा उतार लिया, अगर फिर भी नहीं जा रहा तो आप 0 बार ले जाओगे। तो ये 0 बार अगर आप ले जाओगे तो यहाँ ये सब 0 0 हो जाएगा और फिर ये क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप जोड़ोगे तो ये फिर से 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, 0 बार ले गए हो तो ऊपर भी 0 बढ़ा लेना, इतना क्लियर है। आप क्या करना है, इधर देखो 140 है, इधर देखो 100 है, अब ये फिर ज़्यादा हो गया, वो कम हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक जोड़ा और उतार लो, ऊपर से एक जोड़ा और उतार लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10,000। अब 10,000 में ये कितना बार जाएगा जानते हो आप, लगभग 7 बार जाएगा। क्यों जाएगा 7 बार, ज़रा ध्यान से देखो आप, 14 का डिवाइड करके देख लो 100 में, 14 का भाग 100 में कितनी बार जा सकता है लगभग में, तो 14 7 98 लगभग 7 बार जाता है ना, 14 7 98। तो बस इसी तर्ज पे हम कह सकते हैं कि ये 7 बार जाएगा, करके देख लो 7 बार कितना होगा। देखो 7 बार का मतलब ये ऐसे, ठीक ना, ध्यान से समझना। 7 7 49 के 9 हासिल आया कितना 4, 7 का 0 में पढ़ोगे 0, 0 में 4 जोड़ोगे 4, और ये 7 4 28 के 8 हासिल आया कितना 2, और 7 1 7 2 9, ठीक ना। अब इसको सबट्रैक कर लो, इसको जोड़ लो, 7 7 14 के 4 हासिल 1, और ये 0 में जोड़ोगे 1 तो 1 हो जाएगा, और ये 4 और ये 1, इधर सबट्रैक कर लो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 9 गया कुछ नहीं। बात समझ में आ गई ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूँकि इसमें 151 ऐड कर दोगे तो वो 10,000 हो जाएगा। इतना तक समझ में आया ना, टेंशन मत लेना, सब आएगा, देखते रहना। आगे देखिए अब क्या होगा, ये है 14 14 है ना, उधर क्या आया है 151 आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 2 अंक तक दशम वर्गमूल निकालिए, तो 2 अंक तक तो आपका आंसर हो गया 7.07, ये 50 का वर्गमूल हो गया। लेकिन अगर और आगे करना है तो क्या करोगे, और आगे करना है तो इसके आगे और जोड़ा बना लो, ये चाहे जितना बना लो जी भर के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ से एक जोड़ी उतार लोगे, अब फिर देखो कुछ बार जाएगा, ये जाएगा ना लगभग 1 बार जाएगा, है ना। तो फिर ऐसे ले जाओ तो ये लगभग में आएगा, लेकिन जो हम बताने वाले हैं उसको आप नहीं समझ पाए। हाँ एक बहुत बड़ी बात आप समझ लिए हैं कि 50 का वर्गमूल कितना होगा। तो साथियों 50 का वर्गमूल 7.07 के लगभग होता है, ये भाग विधि से निकालने पर, ठीक ना। अब आगे समझना जो मैं बताने वाला हूँ, हमारा मतलब ये था कि 50 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जिससे कि ये पूर्व वर्ग हो जाए। इसको कर लो फिर मैं मिटाता हूँ, जल्दी से तुरंत करिए, ये 50 का वर्गमूल हो गया। अभी टेंशन मत लेना कि हम क्या कर रहे हैं, ये जान लो कि आप 50 का वर्गमूल निकालना सीख रहे थे, ठीक। ये मत सोचना फालतू का किए इसको, ऐसा मत सोचना, हो गया ना। तो अब इधर ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ, चूँकि ये तो हम निकाल दिए दशमलव में हो गया, पॉइंट में हो गया, लेकिन ये पूर्ण वर्ग थोड़ी हुआ, वो तो पॉइंट पॉइंट में आ रहा, दशमलव में आ रहा है ना। हाँ देखो ध्यान से, ये 50 था, 50 का हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, और ये भी कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जिससे पूर्ण वर्ग हो जाए। जोड़ दें का मतलब कि 50 के आगे आने वाली संख्या हमें पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। तो अगर आप देखो एक प्रकार ध्यान से कि कोई एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 50 के आसपास आए, इसके अबाउट आगे पीछे आए, ना इससे ज़्यादा हो बल्कि कम हो सकता है, तो वो केवल 7 है। हाँ आगे अगर पूर्व वर्ग ले जाना है तो 7 पर देखो ये पूरा पूरा कटता तो है नहीं, बच जाता है, तो आप 8 बार ले जाओगे, कितनी बार 8 बार, 7 बार नहीं ले जाओगे। जब आप 8 बार ले जाओगे तो ये 64 आएगा, इसको उल्टा घटा लोगे तो -14 आएगा। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि अगर ये 14 और होता, मतलब जो शेषफल बच जा रहा, ध्यान देना टेंशन मत लेना, जिस संख्या को पूर्व वर्ग आपको बनाना है उसमें पहले आप उसके नियरेस्ट भाग ले जाना, जैसे मैंने 50 के नियरेस्ट 49 मतलब तक ले गया था ना 7 का, तो बच जा रहा था ना, नियरेस्ट ले जाना। और अगर ऐसी स्थिति है जोड़कर पूर्व वर्ग बनाने में, तो क्या करोगे, उसका एक छलांग और आगे बढ़ा देना, जैसे मैं 7 तक अभी तक ले गया था, फिर 8 बढ़ा दिया ना, 8 तक बढ़ा दिया ना, ऐसे एक स्टेप और बढ़ा देना एक गिनती, उसके बाद जो शेषफल आएगा उल्टा घटा लेना नीचे से ऊपर वाले को, वही संख्या होगी
जोड़ने वाली, मतलब उसी संख्या को आप जोड़ दोगे उस संख्या में तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक तरफ से समझना, एकदम सीरियस होके समझना, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। हवा में लोगे तो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं एकदम। जो लोग अभी तक चिल्लाते थे कि ये जीरो लेवल भाई कब तक जीरो लेवल होगी ना, इसमें हाई लेवल वालों का दिमाग फेल हो जाता है। और एक बात आपको बता दें, आपको यकीन नहीं होगा, जो बीटेक और एमबीबीएस वाले छात्र हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज मतलब डिग्री लेने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ये जीरो लेवल बेसिक मैथ देखते हैं। काहे लिए देखते हैं, उनको बहुत कुछ आता है, बहुत सारी जानकारियां हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी मजाक वाली बात है कि बीटेक वाले इसको काहे देखेंगे। देखो छोटी छोटी जानकारियां बहुत बड़ा चीज़ होती हैं, ठीक ना। ये मत सोचना कि ये सब बहुत छोटा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इधर ध्यान से देखना, 49-31 हमारा सवाल था मुख्य, है ना। अब इसका भी हम क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल करेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई भी इंसान कभी पूर्ण नहीं होता। ये मत सोचना हमने बहुत सारी डिग्री ले लिया है, जो बहुत लोग खूब सारी डिग्री इकट्ठा किए हैं, हमें सब कुछ आता है। अगर छोटी सी बात पूछ लिया जाएगा ना तो आप नीचे मुँह कर लेंगे, नहीं आएगा। इसलिए बड़ी बड़ी बात बोलने वाले छोटी बात नहीं जानते। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा, ध्यान से देखना। तो ये 49 आएगा, है ना। इसको जोड़ लो तो क्या आएगा, 14। इतना क्लियर। अब क्या करोगे, बगल वाला 31 उतार लो। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, हमें क्या करना है, 31 में ले जाना है 14 से, है ना। अगर हम 1 बार ले जाएंगे, इधर ध्यान देना, 1 बार ले जाएंगे तो ये देखो 141 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा 31 से। तो इसका मतलब हम 1 बार ना ले जाएं। कितनी बार ले जाएं, 0 बार ले जाओ, ठीक है, 0 बार ले जाओ। ध्यान देना, अगर आप 0 बार ले जाओगे तो क्या होता है मालूम है, यहाँ पर 0 हो जाएगा और फिर ये आएगा 140 और ये 31 आएगा। अभी देखो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी 31 से बच जा रहा है। और कह क्या रहा था, कह रहा था इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब एक बात तो यहाँ से क्लियर ये हो जा रही है कि 49-21 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, नहीं है ना। तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर ध्यान से देखेंगे कि 31 शेषफल बच जा रहा है, 1 बार ले जाने पे ज़्यादा हो जा रहा है, 0 बार ले जाने पर बैठ रहा सीधा ना। तो आप उतने बार ले जाओगे जो ले जाने पे ज़्यादा हो रहा है, हाँ वो ले जाने पे जो ज़्यादा हो रहा है उतने बार ले जाओगे तभी आपको वो संख्या मिलेगी। तो आप इसको 1 बार ले जाओगे, कितनी बार, 1 बार। अभी उसका कारण मैं आपको बता दूंगा। जब आप इसको 1 बार ले जाओगे तो 112 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 142 कितना आएगा, यहाँ पर 141 आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा बार काहे ले गए, 141 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर निकालना है ना। तो ये हो जाएगा 1, उल्टा घटा रहे ध्यान देना है, सॉरी 1 नहीं, इसको ऐसे घटा लो, कुछ लोगों को कन्फ्यूज हो रही होगी ये ऐसे। तो 0 हो गया, ये हो गया कितना, 110। देखो माइनस में 110 आएगा चूँकि ये उल्टा घट रहा है, ठीक। यानी वो संख्या 110 है जिसको अगर हम 49-31 में जोड़ दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी और वो 71 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 71 का, चूँकि आप जानते हैं कि 70 जो है 4900 का वर्ग है, किसका है, 4900 का। इधर एक बात छोटी सी देख लो, ये जो हमारा यहाँ ऊपर 70 बार जा रहा था ना, 70 का होल स्क्वायर करोगे तो 4900 आता है, और आपको पता है 4931 है, 4931 है ना, इसका मतलब 70 से ज़्यादा का वर्ग होगा, 70 के बाद 71 आता है तो 71 का होगा, सीधी सी बात है। लेकिन 71 का तब होगा जब ये 110 इसमें और जोड़ दिया जाए, तब ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब क्या करना है, अतः वो संख्या क्या है, 110 है, जिसे यदि हम 49-31 में जोड़ दें 4931 में तो पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये हम आपको बता ही नहीं रहे, करके दिखाएंगे, देखो जरा ध्यान से, होता है कि बस सिर्फ बता ही दिया, प्रूफ करके भी दिखाएंगे तुरंत आपके सामने, यहीं पर कहीं नहीं जाना है, बस देखते रहना है। अब देखो इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि जो मैंने बताया वो हो भी रहा है कि बस ऐसे ही। देखिए इधर ध्यान से देखना, गौर करना कैसे, इसको जोड़ लो इसमें पहले, ये हो जाएगा, जोड़ोगे तो 1 और 13 क्या हो गया, 314,
और ये 0 और ये 5 जोड़ लो, जिसको नहीं आता बताना। 50 और ये हो जाएगा 41। ठीक है, इतना हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये आपका तीसरा नंबर सवाल है। कौन सा नंबर है? तीसरा है, अभ्यास है आपका 2 का सी का तीसरा है। आ गया 5041। इसका निकाल लो वर्गमूल। अगर पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा इसका मतलब सही है, अगर नहीं होगा तो गड़बड़ है। चलो ठीक है, वर्गमूल निकालना हमने पिछली 2 क्लास में बता दिया, अब नहीं बताने वाला हूँ। नहीं देखा तो उसको देख लेना, कमेंट करना, बता दिया जाएगा, फिर से बता दिया जाएगा, ठीक ना। ये लो देखो, एक पल में आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। और इसका वर्गमूल कितना आ गया? 71 आ गया, 71। यानी कि जो हमने प्रक्रिया किया वो पूरा सही थी। और 49 31 में 110 जोड़ने पर जो 5041 आता है, 5041, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 15 मिनट में एक सवाल हुआ, लेकिन ये सवाल अगर आपके समझ में आ जाए तो आपका 15 मिनट जो है वो कामयाब हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तभी आने वाला भी है। अगर 15 मिनट के बदले कोई 2 मिनट में इस सवाल को बता दे और आपको समझ में ना आए, तो वो 2 मिनट भी आपका बिना मतलब का वेस्ट हुआ। तो इसलिए आपने सुना है ना, वो महंगा रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार बार वाली कहावत याद रखना। एक बार कोई चीज़ ज़्यादा भी अगर आपको देना पड़े तो ठीक है, लेकिन उसका उपयोग तो हो सके, समझ रहे ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे ध्यान देना। ये तो हो गया एक छोटा सा सवाल। इसी तरह का अगर हम एक कोई बड़ा सा सवाल ले लेते हैं तो कैसे होगा? और अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ अभी कवर करना है। देखिए एक सवाल हम आपको देते हैं, बड़ा सा है, लेकिन इसको अगर आप लोग करेंगे तो हो तो जाएगा फ़िलहाल, लेकिन आप लोग कहेंगे कि हमको दे दिए बड़ा सा। तरीका वही है, सेम टू सेम करके लाना। अब इसको हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 30, 64, 52 में जोड़ दें तो पूर्व वर्ग हो जाए। इसको नोट कर लो होमवर्क के लिए। क्या है? 30, 64, 52। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको इसमें जोड़ दें तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तरीका समझ गए हो ना? इसका निकालना वर्गमूल, जो शेषफल बचेगा उसको क्या करना, क्या करोगे, उसको इसी संख्या में जोड़ देना, और जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकाल के देख लेना। अगर हो जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब आपके द्वारा जो जोड़ी गई संख्या है वही इसका उत्तर होगी, समझ गए ना। ऊपर आपको नंबर दिया गया है, उसको ज़रूर नोट कर लेना, व्हाट्सएप का नंबर। अगर हर दिन क्लास करना है, वास्तव में मैथ सीखना है, तो आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो नींद से जाग जाइए, तुरंत लाइक करिए, अगला सवाल देखिए। अगर आप हमारी बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको अगले दिन क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम जैसे बोलते हैं वैसे वैसे आप करेंगे तो पक्का आपको मैथ आएगी, और पूरी गारंटी के साथ आएगी। अगला सवाल एक देखना, ये आपका उदाहरण नंबर 25 है। देखो उदाहरण हो या कुछ भी हो, मतलब आपको समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सामने लगा लगाया मिल जाए लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कैसा हुआ। कहते हैं ना, जैसे आपको अगर कोई दूसरा विषय दे दिया जाए लिख लिख के, तो आप उसको पढ़ लोगे आराम से। आपने देखा होगा नेता लोग भाषण देते हैं राजनीतिक पार्टियों में, देख देख के पढ़ देते हैं। लेकिन अगर मैथ का सवाल आपको दे दिया जाए लगा करके, तो आप अगले को नहीं समझा पाओगे ये कैसे कैसे हुआ, समझ गए ना। तो मैथ आप कोई अगला अगर बताएगा तभी सीख सकते हैं। अगर आपको सलूशन दे दिया जाएगा तो आप नहीं समझ पाओगे कैसे हुआ, आपसे पूछ लिया जाए आप कैसे बताओगे, बात समझ गए ना। तो इसलिए एक एक स्टेप देखना, उदाहरण है याद रखो, एग्जाम्पल। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, देखिए बात बनाने के लिए थोड़ा तरीका चाहिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, क्या करिए, ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हो सब लोग छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या पढ़े होंगे, तो यहाँ पर लिख लो चुपचाप जल्दी से। पहले तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, पूर्ण वर्ग तो जाने दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 6 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 6 बार 9। जो नहीं जानते उनको बता दें, जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा उतने बार 9 लिखोगे, ठीक ना। बस यही बड़ी से बड़ी संख्या हुआ। लेकिन कह रहा कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, क्या करिए, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग कैसे होगा, मतलब आप इसका क्या करोगे, वर्गमूल निकालोगे, और वर्गमूल निकालोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कैसे होगा। ध्यान से देखना, अब पहले तो ये हम लिख लेते हैं, 9 9 9 जो भी है कितनी बार था, 6 बार था, है ना। इसका जोड़ा बना लो दो दो का, ये अब क्या करेंगे, चलो इसको हम हल करते हैं, कितनी बार जाएगा लगभग में, बस वही तरीका है इसका। आप वर्गमूल निकालोगे, जो शेषफल आएगा उसको क्या करोगे, उसको उसमें से घटा दोगे पूरी वाली संख्या से, और जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या है। या फिर आप उसमें बड़ी से बड़ी बोल रहा है ना, हाँ जोड़ोगे नहीं, नहीं तो आप और गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 9 बार जाएगा। वर्गमूल निकालना सभी को आता है, मैंने बताया कई बार, यहाँ पर नहीं बताने वाला, पिछले क्लास देख लेना, अगर नहीं आता तो आने लगेगा। ये देखो आ गया 18, ठीक। बगल वाला दूसरा जोड़ा उतार लोगे, इधर वाला जोड़ लोगे, 9 9 18, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। ऊपर भी 9 बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, और 9 8 72, 72 8 80 80 8, और 9 1 9 8 17। इसको घटा लो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, कितना आया, 198 आया ना, है ना। अब क्या करोगे, ऊपर वाला दूसरा वाला जोड़ा उतार लो, इसको जोड़ लो पहले, 9 9 18 के 8 80 ले 1 8 1 9 और 1। याद रखना इसको जब जोड़ना तो थोड़ा इधर साइड लिखना, बाएं साइड, इधर चिपकाना मत, चूँकि एक जगह छोड़े रहना हमेशा। ऊपर वाला एक जोड़ा बचा था उसको उतार लिया, अब ये लगभग फिर क्या जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार लेके जाओ, कितनी बार जाएगा ये, 9 बार। तो ये हो जाएगा 9 9 81, यहाँ से लाया कितना, 8, 9 8 72, और 72 8 80, यहाँ से लाया 8, 9 9 81, 81 में अगर आप 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90, 90 का कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, एक बार फिर से देखो, 9 9 81, यहाँ से लाया 8, 9 8 72, 72 8 80, यहाँ से लाया 8, और 9 9 81, 81 में 8 जोड़ोगे, 89 का 9, हासिल कितना आया, 8, 9 1 9 8 17। ये देखो हो गया ना। अब इसको आप घटा लो, घटाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर जो नंबर, उसको आप ध्यान से देखना, और वो नंबर क्या होगा मालूम है, 1998 के लगभग या 78 लगभग आएगा। चलो घटा लेते हैं, 9 में से 1 गया 8, और ये 9 से 0 गया 9, 8 में से 9 जाएगा नहीं, इसमें से उधार जाएगा, 18 से 9 गया तो 9, और ये 8 में से 7 गया 1, 1998 आया ना। अब जरा ध्यान से देखना, इसको जोड़ोगे, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9, और ये 9, और ये सही है ना, 1998 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान देना, पहला नंबर तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या हो कब सकती है, कब हो सकती है, ये शेषफल बच गया इतना, देखो ऊपर अब कुछ नहीं बचा, हमने सभी जोड़ी उतार लिया, नीचे ख़त्म हो गया, ये शेषफल बच रहा है ना। अगर ये ना होता, इतना कम होता, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती ना, हो जाती कि नहीं भाई, शेषफल बच रहा है, अगर इतना ना होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती ना। कैसे, एक एग्जाम्पल देखना, छोटा सा दिमाग को थोड़ा देर रोक करके रखना, इधर देखो, जैसे अगर हमें 17 में भाग करना है 2 से, तो 2 8 16 ना, कितना आया, 1 आया शेषफल ना। अब ये पूर्णता भाज्य संख्या होती 17 किससे, 2 से, अगर ये 1 शेषफल ना आता तो 0 आ जाता, मतलब पूर्ण क्या थी, पूर्णता 2 से विभाज्य थी, लेकिन 1 शेषफल आ जा रहा है ना, मतलब 1 ज़्यादा हो रहा है ना, अगर यही 1 ना होता तो हो जाती ना, 2 से विभाज्य हो जाती ना, 1 ना होता मतलब 17 में से 1 घटा लो 16, 16 2 से पूर्णता विभाज्य है भी ना, है ना, इसका मतलब जो शेषफल आ रहा है उसी को आप इसमें से घटा लीजिए पूरे वाली से, आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक तरीका ये भी है कि आप फिर से इसमें भाग ले जाइए इससे ज़्यादा बार, और जो भी आएगा फिर लास्ट में उल्टा घटाइएगा जो अभी बताया था, तो इसमें से
जोड़ करके भी आप पूर्ण वर्ग बना सकते हो, लेकिन फिर वो 6 अंक की नहीं होगी, जोड़ोगे तो बड़ी हो जाएगी, चूंकि ये 6 अंक की लास्ट स्टेप पर है, 6 अंक पे लास्ट स्टेप पर है। अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो 7 अंक का हो जाएगा, और सवाल कह रहा 6 अंक की, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये जो भी आपकी संख्या है मुख्य वाली, इसमें से आप 1998 क्या करोगे, 1998 घटा दोगे और वही आपका उत्तर हो जाएगा। घटा लो, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 0, ये 0, ये 8 और ये 9 और ये, यानी कि कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, देख लो 1 लाख, 1 लाख के आसपास आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 1,98,001 आ रहा है, पढ़ना सीख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, देखो 1 पे लाख हो रहा है ना, 1 लाख हो गया, उसके बाद इसको छोड़ दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, 10,000 मतलब 98,000, और 001 को क्या पढ़ोगे, 1 पढ़ोगे ना, तो पढ़ेंगे 1,98,001, 1,98,001 क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब इससे बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी 6 अंक में, फिर 7 अंक में हो जाएगी, बात समझ गए ना, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, जो सवाल है ना बहुत उलझाने वाले हैं, है ना, काफ़ी बड़े बड़े से लग रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस समझते जाना एक स्टेप बाय स्टेप, जल्दी नोट करिए, तुरंत अगला सवाल पे चलते हैं। और ये आपका एग्जांपल भी हो चुका है, ये सवाल भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, एक लास्ट सवाल आज की क्लास का देख लेना, ये आपका अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर 6वां होगा, कक्षा 8 की मैथ में 2C का क्वेश्चन नंबर 6वां, वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसको आप जल्दी से नोट करिए, या फिर वीडियो को रोक लीजिए पीछे करके, ठीक ना, क्लास जो चलती है ना उसको आप थोड़ा आगे पीछे करके समझ लिया करें, जैसे कोई स्टेप आपका छूट गया तो ये मत टेंशन लिया करिए कि हमारा तो छूट गया आप क्या करें, ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है, डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठाइए, अगर कुछ छूट जाता है आप थोड़ा सा बैक कर लो क्लास, फिर आ जाएगा वही, एक बार नहीं समझ में आया बार बार देखो, हज़ार बार देखो, देखने की चीज़ है ना ऑनलाइन क्लास, अगर एक बार कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, हमारे पास मैसेज करने लगते हैं लोग, व्हाट्सएप पे फ़ोन करने लगते हैं, सर ये तो मुझे आया नहीं, आया नहीं, अरे यार नहीं आया, उस क्लास को फिर से देखो ना, 2 बार देखो, 5 बार देखो, और हाँ एक बात और ध्यान से सुन लेना, कोई भी इन वीडियो को डाउनलोड नहीं करेगा यूट्यूब में, जो डाउनलोड करेगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके परमिशन लेगा, अन्यथा अगर आप डाउनलोड करोगे लगातार डाउनलोड करते रहोगे तो आपको डाउनलोड करने से रोक दिया जाएगा, फिर आप वीडियो नहीं देख पाओगे और फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ यूट्यूब पर आपको ऑप्शन तो उपलब्ध है, लेकिन आप डाउनलोड नहीं करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्या कह रहा है, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हाँ आप प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना, उसमें प्लेलिस्ट बनती है, प्लेलिस्ट में जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे आपको, वहाँ से आप चाहे जब देखो बाद में, कहीं वीडियो भागने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए और इनके उत्तरों की तुलना कीजिए। लिख लेना सवाल, हम नहीं लिख रहे हैं। 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त उत्तरों की तुलना कीजिए। तो चलो पहले हम इसका निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल, फिर क्या करेंगे गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखो हमने थोड़ा दूर दूर लिखा है इसको, एक जैसे लिख देता हूँ, ये लो बस। तो पहले ये 2 बार जाएगा लगभग में, तो 2 बार जाएगा, आप सभी जानते हो ये जुड़ के 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 जाएगा, घटाने पे 2 आएगा, 25 उतार लोगे, अब कितनी बार जाएगा करके देख लो, 2 बार जाएगा लगभग में, 2 दूना 4, ना 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 2 बार नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ कितनी बार गया, 2 बार ना गया ना, फिर से करके देख लो, लगभग में 2 ही बार जाएगा, ये दोबारा ले जाओगे, 5 बार भी जा सकता है, 2 बार तो बहुत कम हो रहा है ना, 5 बार ले जाओ, 5×25 = 5 हासिल आया, 2×5 = 20, 2×22, देखो 5 बार एकदम सेट हो जा रहा है, ये 0 0 ख़त्म, 5×5 = 10 हासिल 1×4 = 1×5। अब आप लास्ट वाला जोड़ा उतार लो, देखो 0 0 है ना, हमें 0 लाना है भाग करने पे, 0 तभी आएगा जब आप यहाँ 0 बार ले जाओगे, और ये फाइनल में 0 ख़त्म हो गया, इधर जोड़ोगे 0 आएगा 5 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, हम ले गए थे 5 बार 0 बार और पहले 2 बार, इसलिए हमारा उत्तर आया 250। ये तो हो गया भाग विधि, कौन हो गया
भाग विधि। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सवाल कह रहा है इसका वर्गमूल दोनों विधि से ज्ञात कीजिए और उसके उत्तरों की तुलना कीजिए। जैसे आपको एक एप्पल दे दिया जाए खाने को, सेब, तो उसको आप कोई बोले तुम काट के खा लो भाई, और कोई तुम उसको खड़े ही खा लो, तो क्या जो काट के खाएगा उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, जो खड़ा खाएगा उसको कम मिलेगा क्या? हमारे समझ से तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना उसमें से कुछ बहने निकलने वाला है, तो दोनों स्थिति में बराबर फ़ायदा होने वाला है ना? तो बस उसी तरह से इसको दोनों विधि से करोगे तो क्या होगा, उत्तर वही आएगा, इसमें कोई फ़र्क ना पड़ेगा। दो तिहाई छः, दो एक कम दो, दो दूना चार, दो पंचे दस, ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। दो एक कम दो, दो पंचे दस, और ये दो छंग बारह, दो एक कम दो, दो पंचे दस, दो छंग बारह, दो दूना चार, और दो पंचे दस। अब ये पाँच से कटेगा, पाँच तीन पंद्रह, पाँच एक कम पाँच, पाँच दूना दस, पचम पच्चीस, पाँच से काटोगे पाँच छंग तीस, बारह आया, पाँच दूना दस, पचम पच्चीस, फिर पाँच से काट लो कितनी बार, पाँच एक कम पाँच, पाँच दूना दस, फिर पाँच से काट लो, पाँच दूना दस, पचम पच्चीस, फिर पाँच से काट लो, पचम पच्चीस, और फिर पाँच से काट लो। यहाँ पर आप दो दो का जोड़ा बनाओगे, ये देखो जोड़ा बन गया आपका, आंसर आएगा दो पाँच पाँच पाँच, गुणा कर लो सबका, दो पंचे दस, दस पचे पचास, पचास का पच्चीस में गुणा करोगे क्या आएगा, ओ सॉरी पचास का पाँच में करोगे 250। अब नीचे लिख देना, यहाँ हम देखते हैं कि दोनों विधियों से वर्गमूल निकालने पर 62,500 का वर्गमूल 250 आता है, अतः दोनों विधियों से वर्गमूल निकालने पर इसका एक समान वर्गमूल आया। नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया ना? तो चलते चलते आपको बता दें एक बात, PBR स्टडी को आप फेसबुक पर अवश्य फॉलो कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो, और अगर आप PBR स्टडी को फेसबुक पर फॉलो करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन बहुत बड़ी चीज़ है याद रखना, अगर बेल आइकन को ऑन किए रहोगे तो YouTube पर आपको बहुत सारी क्लास मिलती रहेगी, इस तरह की मज़ेदार क्लास आप सीख सकोगे। लेकिन अगर आपको कंप्लीट मैथ सीखना है, वास्तव में पढ़ना है, केवल वीडियो नहीं देखना है, तो आपको इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करना होगा। उसके पहले याद रखना है कि आपको 549 रुपये का पेमेंट करना होगा अगर आप WhatsApp पे जुड़ेंगे तो। फिर आपको WhatsApp पे सारी क्लास मिलेगी, लगभग 300 से अधिक बेसिक क्लास मिलेगी। अगर आप मैथ में जीरो हैं आपको हीरो बनाने की गारंटी होगी, लेकिन वास्तव में अगर आप सीखना चाहते हैं तो, ये हमारी कंडीशन होगी कि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, आपके अंदर सीखने का जुनून है, आपकी चाहत है मैथ सीखने की, तो हम आपको गारंटी के साथ सिखाएंगे, 100% गारंटी के साथ। मैसेज कर देना WhatsApp पर जिसको जिसको करना है, और इंक्वायरी के लिए आप PBR स्टडी में फ़ोन कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर, ये देखो 78438 और 32999, और इस पर आप 33 निकाल लगा सकते हैं दो अंक बदल करके, ये भी नंबर PBR स्टडी का है। इसके अलावा फ्री की